नमस्कार, मैं दीपक स्वागत करता हूं आपके ज्ञान लर्नर्स के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट जानेंगे। ये हमारी मदद करेगा एक्सरसाइज 8.4 में, ये हमको मदद करेगा। ठीक है, तो क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 8। ठीक है, तो इसमें आज हम जान रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है। देखिए, आइडेंटिटीज आपने जैसे एक आइडेंटिटीज देखी होगी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये भी एक आइडेंटिटीज होती है। ऐसी आपने a माइनस बी का होल स्क्वायर भी देखा होगा। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ये है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी का मतलब इसमें a और b की वैल्यू मैं कुछ भी रखूं, a का वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूं, b का वैल्यू मान लीजिए 2 रखता हूं, तो ये दोनों साइड क्या आना चाहिए, इक्वल आने चाहिए। मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड और ये आपका राइट हैंड साइड, ये दोनों साइड आपके इक्वल आते हैं a और b की किसी भी वैल्यू के लिए। a और b के आप कुछ भी वैल्यू रख लीजिए, ये दोनों साइड इक्वल आएंगे। उसी को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटीज बोलते हैं। तो ऐसी ट्रिग्नोमेट्री की भी कुछ आइडेंटिटीज बनी हुई है। लिख रहा है, डेफिनेशन पढ़ते हैं कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कि एक इक्वेशन है जिसमें इन्वॉल्व होगा क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं आपके, साइन कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए, कॉस ए के, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसमें इन्वॉल्व होंगे ऑफ एन एंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। उसे क्या बोलेंगे हम, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बोलेंगे, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व होंगे, ऐसी इक्वेशन। एंड इफ, आगे कह रहा है, इफ इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू, जैसे मैं बोल रहा हूं कि ए और बी की आप कुछ भी वैल्यू रखिए, ये हर वैल्यू के लिए क्या होगा, ट्रू होगा, 100% ट्रू होगा। आप ए और बी की वैल्यू कुछ भी डाल के देख लीजिए, एकदम ये साइड इस साइड के इक्वल आनी चाहिए। इसमें भी यही कह रहा है कि इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ द एंगल्स इन्वॉल्व, कि ये सारे एंगल के लिए क्या होगा, ट्रू होगा। मतलब अगर मैं 30 डिग्री लू, 45 डिग्री लू, 60 डिग्री लू, तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज में लिखने जा रहा हूं वो एकदम ट्रू होंगी किसी भी एंगल के लिए। एंड आई होप आपको हमारे चैनल पे वीडियोस लगातार पसंद आ रहे हैं, और अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। तो आज हम देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। अब देखिए, इसमें तीन आपके पास बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, उन तीनों को हम प्रूफ करते हैं। चलो पहले मैं लिख देता हूं कि कौन कौन से आप पढ़ोगे। एक तो पढ़ोगे आप, पहला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू वन। ध्यान दीजिएगा, ये एंगल इक्वल है ए, आप इनके जगह थीटा भी ले सकते हैं, सी भी ले सकते हैं, मतलब जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो एंगल होगा वो आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, एक और आइडेंटिटी होती है, उसको बोलते हैं हम वन प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। तो एक आइडेंटिटी आपकी ये है। एक और आइडेंटिटी होती है आपकी वन प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो आपके पास तीन आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस। देखो हम एंगल ए के लिए ले रहे हैं। ठीक है, अगर आप थीटा के लिए लेना चाहते हैं थीटा के लिए लीजिएगा, सी एंगल सी, या कुछ भी एंगल जो क्वेश्चन में दिया है उसके लिए। तो ए, अब ए मतलब एंगल, आप एंगल हमको कहां से कहां मालूम है, जो हमारे टेंथ लेवल के वो है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक। तो इनकी वैल्यू कुछ भी रख लो, कि अगर मैं 0 रखूंगा तो फिर 1 आएगा, अगर मैं इसमें ये रखूंगा तो ये इसके इक्वल आएगा, यानी कि दोनों साइड क्या आनी चाहिए आपके, इक्वल आती हैं। अब सवाल है कि सर ये आई कहां से, ये प्रूफ कैसे होती है, इनको आई है, हम आप प्रूफ करते हैं कि ये आइडेंटिटीज कैसे आई। ठीक है, तो प्रूफ करते हैं हम लोग। ठीक, तो देखिए प्रूफ करने के लिए हम लेते हैं, सबसे पहले हमको मालूम है कि ट्रिग्नोमेट्री केवल है केवल किस पे अप्लाई होती है, राइट एंगल ट्रायंगल में, जिसमें एक एंगल कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो मान लीजिए मैंने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी, मैंने मतलब एक ट्रायंगल ले लिया। ठीक है, एक ट्रायंगल क्या ले लिया, ए बी सी राइट एंगल है, और राइट एंगल किस पे ले लिया मैंने, एंगल बी पे, इट मीन्स 90 डिग्री मैंने एंगल बी को राइट एंगल ले लिया। क्लियर, तो ये राइट ट्रायंगल आपका हो गया। तो मैं इस एंगल के हिसाब से ले रहा हूं, देखो ए के हिसाब से ले रहा हूं, तो इस एंगल ए के लिए यहां पे अगर थीटा लेते हो तो आप थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस एंगल के लिए ये आपका क्या हो गया, दैट इज अ परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस और दिस इज हाइपोटेनस, राइट। तो इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस आपका हो गया। अब देखते हैं इस आइडेंटिटी को कैसे प्रूव करेंगे, इसको कैसे करेंगे और इसको कैसे करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले हम इसमें
इन राइट ट्रायंगल जो हमको दिख रहा है, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल में हम लेते हैं, क्या लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, जो मेन कॉमन इसमें थ्योरम है वो कौन सी है, पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, इसमें देखिए पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमको पता है हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब ए सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बेस का स्क्वायर यानी कि ए बी का स्क्वायर, और प्लस बी सी मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसको आप किधर से भी लिख दीजिए, इधर से ये लिख लो या इधर से ये लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको ऐसा पलट के लिख दूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों साइड इक्वल हैं। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं इस, मतलब ये साइड इधर कर दी, ये साइड इधर कर दी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। चलिए इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं हम, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो अगर मेरे को देखो ये तीनों आइडेंटिटी लानी है, तो देखिए इसमें तीन साइड है इन्वॉल्व, एक ए सी है, एक बी सी है और एक ए बी है, तो कोई रटने की बात नहीं है, ठीक है। सबसे पहले चलो हम ए सी को ए सी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, ठीक है, इस इक्वेशन को, यस। तो डिवाइडिंग, डिवाइड करना हमने डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय ए सी स्क्वायर से, किससे डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, ए सी स्क्वायर से डिवाइड कीजिएगा। तो देखिए ए सी स्क्वायर से आप डिवाइड करोगे तो पूरी इक्वेशन होगी, सीधी सी बात है, बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, इधर भी ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। तो पहला हमने ए सी स्क्वायर से डिवाइड किया, क्लियर। तो ए सी स्क्वायर से जब डिवाइड किया हमने दोनों तरफ, तो यहां तो ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर आपका क्या है, सेम है। तो यहां पे कितना बचा, वन बचा। इसको लिखिएगा आप, इसको लिखिएगा ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं इस एक्सपोनेंट पावर को, ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर, प्लस इसको लिख सकते हैं हम बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर, और इधर तो हमने कहा क्या बचा, आपका वन रह गया, ठीक है। अब देखिए हमने, जैसे कि हम हर बार आपको बताते हैं कि आप जो है एक फॉर्मेट याद रखेगा कि भाई कौन सा वाला बताते हैं हम, पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले, ये वाला हमने ट्रिक बता रखी है, ठीक है, हर हर भोले वाली। तो साइन के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस के लिए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। या आप इसका उल्टा भी ले सकते हैं, यानी कि अगर मैं बोलूं कॉस के लिए तो एच अपॉन पी हो जाएगा, और सेक के लिए एच अपॉन बी, और कॉट के लिए बी अपॉन पी हो जाएगा आपका, राइट, ठीक है। तो आपको ये ट्रिक आप याद रखनी है। अब देखिए ए बी, ए बी क्या है, इस ट्राइंगल के लिए मैं बात करूं तो ए बी क्या आपका, ए बी हो गया आपका बेस, ए बी क्या हो गया आपका, ए बी हो गया आपका बेस, ठीक है। और ए सी, ए सी क्या हो गया आपका, ए सी हो गया आपका हाइपोटेनस, ठीक है, हाइपोटेनस हो गया का स्क्वायर, प्लस बी सी, इस ट्रायंगल के लिए आपका बी सी क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। और अगर मैं बात करूं ए सी की, तो ए सी क्या आपका हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या, वन। अब देखिए हम बोल रहे हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या कहलाता है आपका, कॉस कहलाता है। तो आप इसकी जगह बेस अपॉन हाइपोटेनस की जगह क्या रखिएगा, आप बेस अपॉन हाइपोटेनस की जगह रख दीजिएगा कॉस ए, आप स्क्वायर है तो हम भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ध्यान रखना ऐसा करना आपने स्क्वायर। ये मैंने कई बार आपको कंसेप्ट क्लियर करा चुका हूं कि आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे कॉस ए स्क्वायर, ये गलत है बिल्कुल। अगर आप लिख रहे हो तो या तो होल स्क्वायर कीजिए, या जैसे मैं यहां बता रहा हूं आप ऐसे लिखें, ठीक है। तो कॉस ए लिख दिया मैंने, इसकी स्क्वायर तो ऑलरेडी है, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस दैट इज अ साइन, क्या होता है ये, साइन ए, ठीक है। तो इसकी जगह मैं लिख देता हूं साइन ए, स्क्वायर है स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए पहली आइडेंटिटी हमारी बन चुकी है, देखिए आसानी से क्या, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू वन, देखिए वही चीज हमने यहाँ लिखी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू वन। आगे पीछे अगर आप आगे पीछे इसको करना चाह रहे हैं, मतलब साइन स्क्वायर को आगे अगर लेना चाह रहे हो तो ले दीजिए, और कॉस स्क्वायर को कहाँ लीजिए, पीछे लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो पहली आइडेंटिटी आपकी ये आ गई, क्या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया आपका, वन आ गया, ठीक है। अच्छा अब दूसरा करते हैं, देखियो इसमें हम दूसरा कैसे करते हैं, देखिए हम कि ये हमारे पास है वन प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू कितना है, सेक स्क्वायर है, ये वाली आइडेंटिटी लाने हैं। इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय ए बी स्क्वायर, अभी ए सी स्क्वायर से डिवाइड किया था, तो अब हम क्या करेंगे कि डिवाइडिंग, डिवाइडिंग कर रहे हैं हम किसको, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वही इक्वेशन को बाय किससे डिवाइड कर दो आप, ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो आप, ए बी स्क्वायर से कर दो इस वाली इक्वेशन को, ठीक है। तो यहां भी ए बी स्क्वायर है, यहां भी आपका ए बी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन में क्या जाएगा,
ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, राइट। ये कट गया, कितना आ गया आपका वन आ गया, वन प्लस बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो वन प्लस बी सी अपॉन ए बी, इस एंगल के लिए बी सी क्या है परपेंडिकुलर, ए बी क्या आपका बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का होल स्क्वायर, ए सी, ए सी क्या आपका हाइपोटेनस, ए बी क्या आपका बेस, बेस का होल स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज अ 10, क्या होता है आपका 10 होता है, ठीक है। तो यहां पे आप क्या लीजिएगा 10 स्क्वायर स्क्वायर कीजिएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस यानी कि कॉस का उल्टा क्या होता है दैट इज अ सेक है, तो ये सेक की वैल्यू है, तो ये आ गया आपका सेक स्क्वायर ए। तो देखिए दूसरी आइडेंटिटी भी आपने प्रूव कर लिया आसानी से, क्या कि 1 प्लस टेन स्क्वायर किसके इक्वल होता है सेक स्क्वायर ए के इक्वल होता है। ये आपकी सेकंड नंबर की आइडेंटिटी, ये भी प्रूफ हो गई, पहली हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। और तीसरी आइडेंटिटी के लिए क्या कीजिए आप, सिंपल सी बात है, तीसरी आइडेंटिटी के लिए आप कीजिएगा कि डिवाइडिंग उसी इक्वेशन को, ध्यान रखना डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और किससे डिवाइड कीजिएगा, अब हमने ए सी स्क्वायर से कर लिया, ए बी स्क्वायर से कर लिया, बचा कौन आपका, बचा बी सी स्क्वायर बचा, ठीक है। तो आप किससे डिवाइड कीजिएगा, डिवाइडिंग बाय बी सी स्क्वायर से, ठीक है, इसी इक्वेशन को। तो आप कीजिएगा ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर कीजिएगा। उसके बाद आप जैसा हम बोल रहे हैं हर बार ए बी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी से बी सी कट गया सेम है वन, तो ए सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी, ए बी क्या है इसके लिए बेस, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर प्लस वन स्क्वायर स्क्वायर कीजिएगा इक्वल टू ए सी क्या है हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस और बी सी क्या है परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये होल स्क्वायर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर किसका अपोजिट है, टेन का अपोजिट कौन होता है कॉट, तो ये हो गया कॉट स्क्वायर ए प्लस वन इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर किसका अपोजिट है हाइपोटेनस परपेंडिकुलर साइन का अपोजिट, साइन का अपोजिट क्या होता है आपका कॉसेक होता है, तो कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये आपकी तीसरी आइडेंटिटी हमने प्रूफ कर दी, क्या कॉट स्क्वायर ए प्लस वन, देखिए आगे पीछे है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वन को आगे कीजिएगा और कॉट स्क्वायर को पीछे कर लीजिएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बात बराबर है, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर ए। तो ये आपकी कौन सी आइडेंटिटी होगी, ये आपकी हो गई आइडेंटिटी नंबर थ्री। तो इस तरह से हमने ये तीन आइडेंटिटी देखो इसमें सॉल्व की, एक आइडेंटिटी नंबर वन, एक आइडेंटिटी नंबर टू और आइडेंटिटी नंबर थ्री, हमने तीनों आइडेंटिटी को बिल्कुल सॉल्व किया बढ़िया तरीके से, इनको प्रूफ किया कि एक्चुअली आती कहाँ है, और ये हमको मदद करेंगे 8.4 जो एक्सरसाइज आने वाली उसमें ये हमको मदद करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना न मत भूलिएगा, और अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आई हो अगर समझने में तो एक बार इस वीडियो को आप दोबारा से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।